आज मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि साइट पे आप देख सकते हो कि बुक इफेक्ट में अपनी वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब ये वीडियो मैं आखिर कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी ये वीडियो मैं रियलमी के एक फोन से, सिंपल फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिसमें कि मात्र 3 कैमरे लगे हैं। उसके बावजूद भी मैं अपने इस फोन से ब्लर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरे पास कोई भी आईफोन नहीं है जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ना तो मेरे पास सैमसंग का कोई फ्लैगशिप डिवाइस है जिससे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इस वीडियो को जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, जिससे आप भी अपनी वीडियो को इफेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हो, आपके पास कोई भी फोन हो, क्योंकि मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, साथ ही साथ कैमरा में कुछ सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बाद आप अपनी वीडियो को बुक इफेक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के किसी भी पार्ट को अगर आपने स्किप कर दिया तो हो सकता है कि आप ये सेटिंग अपने फोन पे नहीं कर पाओगे और आपके फोन पे ब्लर वीडियो कभी भी नहीं बन पाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप ये कुछ क्लिप्स देख लो कि आखिर मैं अपनी वीडियो को किस तरह से रिकॉर्ड करता हूं, और कुछ क्लिप्स ये भी दिखा देता हूं कि आफ्टर रिकॉर्ड वो कैसा दिखता। और बताइए क्या नाम है रे? क्लिप्स आपने देख लिया तो फटाफट से मैं आपको ट्यूटोरियल देता हूं कि किस तरह से आप अपनी ब्लर वीडियो बना सकते हो। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम अपने चैनल पे लेके आते रहते हैं। चलिए गाइस, मैं आ चुका हूँ फोन के स्क्रीन पे। अब मैं आपको कुछ सेटिंग्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर एक ब्लर वीडियो किस तरह से शूट होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर आपको अब करने क्या पड़ेंगे। आपको कैमरा एप्लीकेशन अपना ओपन कर लेना है। कैमरा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद देख सकते हो कि हमारे सामने यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आता है, जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा होगा। आप भी अपने फ़ोन को जब इसे ऑन करेंगे कैमरे को, तो इस तरह से आपको सेटिंग्स नज़र आ रहा होगा। लेकिन उसके बाद आपको वीडियो में जाना है। जब आप वीडियो में जाएंगे तो आपके सामने देख सकते हो कि मेरी जो वीडियो है अर्ली वो ब्लर हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे ये अर्ली पहले से ब्लर आखिर कैसे है, तो मैं यहाँ पे कौन सा सेटिंग्स ट्राई करता हूँ, आपको कौन से सेटिंग्स करने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे फोन पे तो डायरेक्टली यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है जहाँ से कि आप ब्लर कर सकते हो। देख सकते हो कि इस ब्लर को, बोके इफेक्ट को मैं बढ़ाता हूँ, लेकिन आप किसी एप्लीकेशन का मदद लेके आप अपनी वीडियो को किस तरह से ब्लर कर पाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं कि बोके इफेक्ट अगर आप मस्त लेना चाहते हैं तो इस तरह से आपको अपर्चर जो है वो लॉक कर देना है। उसके बाद जिधर भी आप जाएंगे, अभी लाइट की बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है, जैसा कि देख सकते हो कि अभी शाम का टाइम है, जिसके कारण से ऐसी क्वालिटी नज़र आ रही होगी आपको। लेकिन जैसे जो वीडियो को मैं दिन में शूट करता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि इससे भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती। तो यहाँ पे नॉर्मल आपको यहाँ पे फिल्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिस भी तरह के आप फिल्टर यूज करना चाहते हैं अपनी वीडियो में, फिल्टर भी आप यूज कर सकते हैं। सिनेमेटिक वीडियोस आप बना सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि चलने के बाद भी ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो उसके बाद ये जो है आपका शो सही से नहीं होगा, बिल्कुल सही से ये वर्क करता है। और यहाँ पे कुछ कैलकुलेटर ओपन हो गया, तो पहले मैं इसे हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, देखो आप यहाँ पे अगर सिनेमैटिक वीडियोस का फिल्टर मैं यूज करना चाहता हूँ तो वो भी हो जाता है। नॉर्मल अगर इसमें करते हो आप तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, फोकस अगर मैं बगल में करूँ, लाइटिंग इफेक्ट अगर जितना ही अच्छा होगा उतना ही अच्छा वीडियो क्वालिटी भी नज़र हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो आप अपने फ़ोन पे इसे किस तरह से कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। आपको तो आपको पता होगा कि सिंपल यहाँ पे सेटिंग्स आप कर लेते हो और यहाँ से वीडियो को कन्वर्ट मैं कर लेता हूँ, लेकिन अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन को क्या करना है, अपडेट कर लेना। अगर आपके फ़ोन में फीचर्स नहीं है, एक्सटेंशन फाइल है मेरे पास जिसे आप डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद आपके फ़ोन पे ये वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको देखो काम क्या करना है, आपको बस काम इतना ही करना है कि अपने फ़ोन पे प्ले स्टोर पर जाना है आपको। B612 नाम करके इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि अभी एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया, एक्सेस दे देना है सारा। एक्सेस देने के बाद देखो आपको काम क्या करना है, ऐसे जैसे करोगे तो आपको क्या करना है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कैमरा ओपन करके रखा हूँ, तो कैमरा ओपन करने के हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, और आपको वो वाला वर्जन डाउनलोड कर लेना। अब मैं बोल रहा हूँ वो वाला वर्जन कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता होगा कि किसी भी प्रीमियम एप्लीकेशन को आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताना, और साथ ही साथ मुझे अपने फ़ोन का मॉडल नंबर भी बताना, ताकि मैं उस फ़ोन के लिए एक्सटेंशन फाइल आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। अब देखो वीडियो वाले सेक्शन पर आप जाएंगे, वीडियो वाले सेक्शन पर जब आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फुल HD में तभी आप इसे रिकॉर्ड कर पाएंगे जब आपके पास प्रीमियम वाला होगा। यानी कि प्रीमियम तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रीमियम आप किस तरह से कर सकते हैं। तो आपके सामने कुछ इस तरह का जब इंटरफेस आ जाएगा, तो मोर वाले सेक्शन पे जब आप
जाएंगे तो आपको नेट ओपन कर लेना है, फिल्टर वाले सेक्शन पे जाना है। फिल्टर वाले सेक्शन पे जाने के बाद आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस नजर आते हैं, तो अपनी वीडियो को ब्लर आप किस तरह से कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपके सामने एक फीचर्स नजर आता है इफेक्ट का, इफेक्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो माई न्यू हॉट नाम करके आता है आपके सामने इफेक्ट वाला सेक्शन, जिसमें आपको ब्लर यहाँ पे फेस का एक ऑप्शन आ जाता है ब्लर फोकस का। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे फोन पे लाइटिंग इफेक्ट या तो दिन में अपनी वीडियो को शूट करेंगे तो काफी शानदार वीडियो ये शूट करके आपको देगा और आपकी जो वीडियो क्वालिटी होगी, यहाँ पे फ्लैश जला के मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि आखिर जो वीडियो क्वालिटी है वो हमारी कैसे होने वाली है। अब यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे आप ब्लर इफेक्ट खुद अपने आंखों से देख सकते हैं कि किस तरह की ब्लर जो इफेक्ट है हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अपनी वीडियो को आप भी इस तरह से ब्लर में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी ने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।